अस्सलामु अलैकुम, दिस इज मोहम्मद सुलेमान। और कुछ बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि सर आप हमें जो है 9 क्लास के फिजिक्स के एमसीक्यू सॉल्व करवा दें डिफरेंट कोचिंग सेंटर के। तो अभी जो है मैं आपको अनीश हुसैन के एमसीक्यू सॉल्व करवाने वाला हूँ और आप जो है इसको एमसीक्यू के जो आंसर अपने पास जो है नोट डाउन करते रहे। फर्स्ट एमसीक्यू जो आपके पास है, अ चिप्स रैपर इज 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5.9 सेंटीमीटर वाइड। इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको एरिया फाइंड करना है। तो एरिया के अंदर हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा उसके आपने ऊपर जो है सिग्निफिकेंट फिगर को अप्लाई करते हुए जो है आंसर देना है। तो 27 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। एमसीक्यू नंबर टू की बात करें, जो कि लेजर किससे बिलोंग करता है, तो लेजर जो है प्लाज्मा फिजिक्स से बिलोंग करता है। सही, आगे हम बात करें थर्ड एमसीक्यू की, कि कौन सी ऐसी क्वांटिटी है ऑप्शंस के अंदर जो कि वेक्टर नहीं है। तो आपके पास प्रेशर जो है ऐसी क्वांटिटी है जो कि वेक्टर नहीं है बल्कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। एमसीक्यू नंबर फोर की बात करें, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है आपके पास ट्रू होगी। तो आपके पास तीनों के तीनों ऑप्शन ठीक है, इसका मतलब यह है कि आपका डी ऑप्शन ट्रू होगा, ऑल आर ट्रू। आगे फाइव एमसीक्यूज की बात करें, अ टाइट रोप वॉकर कैरीज अ लॉन्ग पोल टू डैश। तो इसके अंदर आपका जो लास्ट ऑप्शन है, कीप हिज सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन फिक्स्ड पोजीशन, ये आपके पास जो है करेक्ट आंसर है। सिक्स एमसीक्यूज की बात कर लेते हैं, अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर बॉडी जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, इसका मतलब क्या है, वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। आगे हम बात करें सेवन एमसीक्यूज के अंदर, कहता है कि कौन सा मटेरियल जो है बहुत ज्यादा इलास्टिक होगा। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है स्टील का। एट एमसीक्यूज की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का कौन सा यूनिट नहीं होता, न्यूटन नहीं होता, क्योंकि न्यूटन जो है फोर्स का यूनिट है, आप लोगों को पता होगा। नाइन एमसीक्यूज की बात करते हैं, कौन सी ऐसी वैल्यू है जो कि हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है। कैपिटल जी जो है हमेशा जो है कॉन्स्टेंट रहती है। 10 MCQs की बात करें, a communication satellite completes its one revolution around the earth। तो revolution जो है around the earth जो है 24 hours में complete होता है। सही, आगे 11 MCQs की बात करें, a burning candle, तो candle को जो burn किया जाता है तो इसके अंदर तमाम states involve होती हैं। तो इसी वजह से जो है आपका करेक्ट ऑप्शन जो है डी ऑप्शन होगा। 12 MCQs की बात करें, रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्रॉन, सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। 13 एमसीक्यूज की बात करते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम लिक्विड इज कॉल्ड डैश। तो कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम लिक्विड। 14 एमसीक्यूज की बात करते हैं, 1 एचपी हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। आगे 15 एमसीक्यूज को देख लेते हैं, जो आउटपुट अपॉन इनपुट का रेशियो होता है उसको हम कहते हैं एफिशिएंसी। 16 एमसीक्यूज में क्या कहता है, किलो वॉट आर किसका यूनिट है, ये आपके पास एनर्जी का यूनिट होता है। 17 एमसीक्यूज की बात कर लेते हैं, जब वाटर को हम चेंज करते हैं आइस के अंदर तो वो एक्सपेंड होता है। सही, 18 एमसीक्यूज की बात करते हैं, अ फिक्स्ड टेम्परेचर एट विच अ प्योर लिक्विड बॉइल। एक पानी जो है कौन से टेम्परेचर के ऊपर जो है बॉइल होता है, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। सही, आगे हम बात करते हैं 19 एमसीक्यूज की, रेट ऑफ मोशन इन स्पेसिफिक डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी की डेफिनेशन है सिंपल। 20 एमसीक्यूज की बात करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑलवेज अवे फ्रॉम सेंटर, इज ऑलवेज अवे फ्रॉम सेंटर। 21 एमसीक्यूज की बात करें, कौन सी ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसके अंदर जो है एटम जो है हाईली आयनाइज होता है। तो ये आपके पास कौन सी ब्रांच है फिजिक्स की, प्लाज्मा फिजिक्स की ब्रांच है। आगे हम बात करें 22 एमसीक्यूज की, इफ अ गैस इज हीटेड इन अ सील्ड सिलेंडर तो उससे क्या होगा, आपके पास प्रेशर भी इंक्रीज, इनसाइड द कंटेनर जो है वो भी इंक्रीज होगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी पार्टिकल की इंक्रीज होगी और टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। इसका क्या मतलब, आपके पास डी ऑप्शन करेक्ट है। 23 एमसीक्यूज की बात करें, अगर दो फोर्सेस आपके पास दोनों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है। आगे हम बात करते हैं 24 एमसीक्यूज की, तो आपके पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड जो है गिवन है, बोल रहे किसके सेम है, ये न्यूटन सेकंड के है। न्यूटन जो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, आपके पास जो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड आ जाएगा।
तो 24 एमसीक्यू जो हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं, बाकी इसके जो पेपर है बी सेक्शन में आपको वो दिखा देता हूँ, उसके अंदर आप देख सकते हैं कौन कौन से सवाल जो है अनीश सैंग के कॉम्प्रिहेंसिव पेपर के अंदर आए थे, ताकि आप जो है इनकी लाजमी तैयारी कर लें। ये थ्योरी पोर्शन भी आप देख सकते हैं और न्यूमेरिकल का पोर्शन भी जो है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अभी जो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा इंशाल्लाह, उसके अंदर जो है मैं आपको प्रैक्टिकल सेंटर के जो एमसीक्यूज आए हैं प्रीलिम्स के पेपर के अंदर, उसको हम सॉल्व करेंगे। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, इसको अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, ताकि वो भी जो है प्रैक्टिकल सेंटर के सॉल्व एमसीक्यूज दे सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल नॉलेज स्कूल।